देश की पांच भूतिया जगह जिन्हें सोचकर रह जाएंगे दंग। भूतों का होना या न होना हमेशा एक सवाल रहा है। ये सच है कि हमने उनके अस्तित्व पर मिश्रण रखा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव भी किया है। फिल्मों की बात छोड़ दें तो असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत के होने को लेकर बात होती रही है। ये देश की पांच ऐसी जगह हैं जहां कहानियों के अनुसार भूतों का निवास भी है, या फिर सीधे तौर पर कहें तो ये ऐसी जगह हैं जहां जाने से पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थॉमस बीच। गुजरात किसी समय ये चलती कब्रों का ठिकाना था। कहा जाता है कि आज भी सुबह की सैर के लिए यहाँ आने वाले लोगों को कई बार यहाँ चिकनी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अग्रसेन की बावली। दिल्ली में कनॉट पैलेस के नज़दीक इस बावली का निर्माण 14वीं सदी में महाराजा अग्रसेन ने करवाया था। ये बावली अब सूखा है, लेकिन कहा जाता है कि किसी समय यहाँ एक विशेष काले पानी से भरा हुआ कुआ था जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। ताजमहल होटल। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि होटल को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट ने होटल के अंदर ही जान दे दी थी, क्योंकि होटल उसके डिज़ाइन के अनुरूप नहीं बना था। लोगों ने कई बार शिकायत की है कि होटल कॉरिडोर में आज भी आर्किटेक्ट की रूह भटकती है। और यह भी बता दें कि ये मुंबई का सबसे मशहूर होटल माना जाता है। शनिवरवदा फोर्ट। पूरे इस फोर्ट में एक 13 साल के राजकुमार को क्रूरता से मारे जाने की कहानी खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि देर रात और खासकर पूर्णिमा की रात यहाँ छोटे राजकुमार की सिसकियाँ और आवाज़ सुनाई देती हैं। सवाई होटल। मसूरी वर्ष 1910 में इस होटल में एक महिला की विचित्र स्थितियों में मौत हो गई थी। माना जाता है कि तब से उसकी आत्मा इस होटल में गुनहगार की तलाश कर रही है। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट।